अर्चना जी, हमें बचपन से तमीज में रहना सिखाया जाता है। बच्चों को बोला जाता है कि गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, कोई बड़ा आए तो उठ के अपनी कुर्सी उनको दे दो। ये नहीं कि बड़े उठे उसके बाद आप उनकी कुर्सी बैठ जाओ, फिर वापस उनको बैठने का मौका ही ना दो। वो बड़ा है मुझसे, अच्छा ठीक है। अच्छा, बाहर विदेशों में जाओ ना तो उनकी कुछ चीजें बड़ी अच्छी हैं। वो किसी के घर जाते हैं तो पहले फोन करके पूछते हैं कि आप घर पे हैं, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ। हमारे उल्टा है, हमारे घर पे पहुंच के बहुत देर में घर के बाहर खड़ा हूँ। बड़ा अजीब आदमी तू। अरे उसको अजीब बोल रहे हैं, पर ये भी डिपेंड करता है आप किसके घर जा रहे हो। जैसे मैं अर्चना जी के घर जाता हूँ ना, मैं उनको कभी नहीं फोन करता, क्योंकि ये सामने से ऑर्डर देती हैं। अच्छा तू इस तरह आ रहा है, अरे 2 लीटर दूध लेते आना, और तेरे घर के बाहर जो लाल जी के समोसे वो भी लेते हैं, दूध पर मीत को आटे वाले बिस्कुट बड़े पसंद, वो भी लेते आना। समझ में नहीं आता कि मैं इनके घर जा रहा हूँ कि ये मेरे घर आ रही है। बच्चे लोग कई बार वो टेट्रा पैक नहीं यूज करते जिसमें मैंगो जूस पीते, वो खत्म हो जाता ना कई कई बार, तो लास्ट तक उसकी जान निकाल लेते हैं स्ट्रॉ डालकर। वो टेट्रा पैक अंदर हो जाता है बिल्कुल उसका, उसके पुटक जाता है, फिर सांस छोड़ते, फिर फूलता है। उसको अनुलोम विलोम तब तक कराते जब तक एक एक बूंद नहीं निकल जाती उसकी। और कई बच्चों के बाप उनको सलाह दे रहे थे, बेटे ऐसे नहीं करते, और गुद चाय ऐसे पी रहे। जानवरों को बड़ी तमीज सिखाई जाती है फॉरन में, वहां पे डॉगी को बोला नो, उसी टाइम नो हो जाता है, मतलब सिट तो बैठ जाता है। हमारे यहाँ के कुत्ते उल्टे हैं, क्योंकि तमीज नहीं सिखाई ना हमने। भाग रहा है ना, भाग रहा है, उसको बोलो टॉमी स्टॉप, वो उल्टा जीप चिढ़ा के जाता है। विदेशों में जब कुत्ते सड़क क्रॉस करते हैं ना, ये तो मेरी आंखों देखा हाल है ना, तो वो तब भी क्रॉस करते हैं जब उनका साइन आता है प्रॉपर। पैदल चलने वाले अब सड़क पार कर सकते हैं, तो कुत्ता यूं करके जाता है, इधर उधर नहीं देखते। उनको पता है लोग सिग्नल नहीं तोड़ेंगे, फाइन बड़ा हैवी ना, उनको पता है। हमारे यहाँ आदमी भी जाता ना डरा डरा सड़क क्रॉस करता है, कई बार तो कंफ्यूज कर देता सामने वाले को भी, उसके आगे आगे वो एक्सीडेंट करवा देते हैं। कुछ लोग चश्मे को बड़ा तमीज से साफ करते हैं, चश्मे पूरे पूरे उनके पास वो रहता है ना चश्मा साफ करने वाला, फिर कपड़ा निकालते हैं यूं करके बंद करके रखते हैं। कई लोग बड़े बदतमीजी से करते हैं, चश्मा ऐसे कर लेते हैं, फिर बोलते धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। अबे धुंधला कहाँ से दिखाई देगा, जीप पे जो मलाई लगी होती है ना वो दिख रही होती है उनको। अच्छा, कुछ लोग कुल्फी बड़ी तमीज से खाते हैं, कुल्फी खाएंगे ना, हाँ नीचे प्लेट रखते हैं, साथ में टिश्यू पेपर यू। लड़कियां स्पेशली बड़ा मैंने देखा है, वेरी सोबर। अच्छे से कई लोग टिश्यू पेपर उनका एक हाथ यूं होता है कुल्फी, जहां जहां पे गिरती ना वहां पे चाट रहे होते हैं। कभी कभी इधर गिर गया तो यहां से शुरू होते हैं फिर। और कुल्फी जब खत्म हो जाती है उसकी डंडी को चबा चबा के उसका टूथब्रश बना देते हैं यूं करके। यही हाल आम का होता है, आम सोचो फलों का राजा है, उसको काट के तमीज के साथ खाओ यूं करके चम्मच के साथ। आम को पहले तो उसको दबा दबा के पिलपिला करते हैं, हाँ ये क्या है, उसको तो भ्रच करके पिचकारी बलती ना, ऐसे फ्रेंच कट बन जाता पीला पीला मुंह का उनका। कई लोग तो छिलका तक खा जाते पता, फिर एक्सक्यूज देते हैं, अरे सारे विटामिन तो इसमें होते हैं। पीछे गाय खड़ी होती है वो गालियां दे रही होती, कुछ विटामिन हमारे अंदर भी जाने दे, छिलके भी तू खाई जा रहा है। हमारे यहाँ दीवारों पे बड़ा बड़ा लिखा होता है ना, यहाँ पे एक नंबर करना मना है, तो जहां पे करना मना है जहां पे खत्म होता ना उससे 1 फीट छोड़ के लोग वहां पे शुरू हो जाते हैं। और कुछ तो इतने ढीठ होते हैं, जहां पे लिखा था ना यहाँ पे ये करना मना है, मना पे अटैक करते हैं, तो फिर कुछ दिनों में मना हट जाता है। और फिर यही लिखा रह जाता है कि यहाँ पे करना है, तो जब नहीं लिखा होता तब नहीं हटते, जब लिखा आ गया तो फिर तो क्या बात है। फॉर्म में ना कई चीजें ऐसी आती हैं जिनको तमीज से ही खाना पड़ता है, फोक और कांटे से उसको हाथों से खा ही नहीं सकते। हमारे यहाँ कुछ डिशेज ऐसी हैं जिनको तमीज से खा ही नहीं सकते। आप गोलगप्पा खा के दिखाओ तमीज के साथ, आपको उसके जैसा मुंह बनाना पड़ता है पैदल। और कहते हैं ना कि खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए, बदतमीजी होती है, लेकिन गोलगप्पा खाते खाते बात करना आर्ट है, ये कोई महिलाओं से सीखे। एक गोलगप्पा मुंह में होता है, खास में फिर भी तीखा। फॉरन में तरबूज बड़ा मैंने देखा है, जाकर बड़े तरीके से काट के खाते हैं उसको, ऐसे काटते हैं पहले तो वो गोल्टू से निकल आता बीच में, फिर उसको प्लेट में रखते हैं, फिर काट के फोक के साथ यूं करके खा रहे हैं। हमारे यहाँ गाँव में चले जाओ आप, तरबूज उठाते पहले कोनी मार के उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं ठप करके, और लगता ही नहीं तरबूज काटा, ऐसा लगता ट्रक के नीचे आ गया।
ना उसके बाद उसका मुंह में डाल के ना तरबूज, फिर वो बीज सबसे दूर कौन फेंकता उसका कॉम्पिटिशन होता। अजीब अजीब खेल निकालते हैं। अच्छा शादी में बारात आने से पहले दूल्हे की सालियां जो होती बड़ी तमीज से फूल माला लेके जीजा आई, बड़ी खुश होती है जैसे जीजा इन्हीं को लेके जा रहा है। लेकिन जूता चुराई के समय ये सालियां पता नहीं कि चाची दाड़का बन जाती हैं। जूता चुराते वक्त कई तो सालियां जो ना जीजा के पैर में से निकाल लेती हैं। दिनेश की सालियों ने जूता चुराया इसका, कहती हम नहीं बताएंगे कहाँ रखा है, ये कहता है मेरे को पता है, कहता उधर रखा है ना। अपने अपने मौजे की स्मेल पता होती है। विदेशों में कई चीजें हैं, जैसे वहां पे बच्चे जो होते हैं अपने पड़ोसियों को नाम लेके बुलाते हैं, हे जॉन कैन आई प्ले विद यू, कोई बोलता है ओह आई नो इट्स माय प्लेजर। हमारे यहाँ कोई पड़ोसी को बुला सकता है ऐसे, अरे रामशरण किधर जा रहे हैं, रामशरण भटक गया, अपने बाप को बुला जाके नाम से। अलग अलग कल्चर है, अपना अपना कल्चर है। अच्छा संस्कारी घरों में एक तमीज और होती है, अगर उनके घर में बच्चा फेल भी हो जाए तो उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करते। आम आदमी अपने बच्चों को घर की मुर्गी दाल बराबर समझ लेते हैं, कई बार वो यकीन ही नहीं करते कि उनका बच्चा कोई बड़ा काम कर सकता है। ऐसा एक शो सोनी टीवी पे आ रहा है जिसका नाम है तारा फ्रॉम सतारा, और आज सतारा की तारा भी यहाँ पे मौजूद है, और उनके पिताजी सचिन माने और तारा के बेस्ट फ्रेंड अमूक, प्लीज वेलकम। जोरदार तालियां। हेलो तारा, वेलकम अमूक, हाउ आर यू? हेलो सर, बिग फैन। अरे सर सेम ही, वेलकम वेलकम। जोरदार तालियां हमारे सभी कलाकारों के लिए। आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत मुबारक आपको, बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जिस पे ये शो आ रहा है तारा फ्रॉम सतारा। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को अपने शो की कहानी बताइए, किस टॉपिक के ऊपर है ये? तारा तारा के बारे में, मैं सातारा से हूँ, और मुझे डांस बहुत पसंद है, और एक शो आता है डांस नंबर वन जिसके पीछे मैं पागल हूँ, बट मेरे बाबा को उस शो से नफरत है और वो मुझे देखने नहीं देते, बट कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ और सबका दिल जीतती हूँ, तो बस यही। तो बेसिकली तारा जैसी बेटी के बारे में पिता क्या सोचता है, उसको क्यों अंडर एस्टिमेट करता है सर? नहीं बेसिकली ये जो सचिन माने हैं ये क्लासिकल डांसर है। अच्छा, सातारा जैसे शहर में वो क्लासिकल डांस का एक स्कूल चलाता है। अच्छा। उसे बॉलीवुड नंबर से बहुत नफरत है, बेटी को वही पसंद है। पढ़ाई में ध्यान नहीं इसलिए बाप की डांट खाती है, बॉलीवुड नंबर पसंद है इसलिए बाप की डांट खाती है। तारा ऐसी है जो मन में आया वही कहा, किया जो दिल ने कहा वही सुना, परिणामों की कोई चिंता नहीं, इसलिए सचिन माने को इस तारा की बहुत चिंता है। और बाप बेटी का एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। सर रियल लाइफ में आप बहुत अच्छे कमाल के एक्टर हैं। थैंक यू। और सर को मराठी फिल्म जोगवा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। wow. और भी बहुत सारी फिल्मों में सर हमने देखा है। थैंक यू सर, जैसे पेज 3 हो गया, चांदनी बार, कितनी सारी फिल्में सर आपने की हैं। सर आप जब रियल लाइफ में जब आप एक्टर बनने के घर से निकले थे, आपके घर वालों ने सपोर्ट किया था आपको उस वक्त? जी नहीं, मैं जब इस उम्र का था तब मुझे क्रिकेटर होना था। अच्छा जी। लेकिन पिताजी ने कहा बेटा इसके लिए जो खर्चा है वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सिंपल सा एक फॉर्मूला था, एक टिपिकल पूना के मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमें वो समझ में आ गया था। बाद में आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन ड्रामेटिक्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। ओके। फिर 10-15-14-16 साल मैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर करता रहा, और थिएटर करते 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 आई स्टार्टेड आफ्टर माय 30s प्रोफेशनल करियर। चांदनी बार वाज माय फर्स्ट कमर्शियल फिल्म। अमूक आप इस कहानी में तारा के फ्रेंड हैं, तो क्या किरदार है आपका, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आप? सबकी लाइफ में एक ऐसा फ्रेंड होता है जो उसको पता नहीं होता कि मेरे अंदर कुछ टैलेंट है, लेकिन एक फ्रेंड होता है उसको पता होता है कि आगे बहुत कुछ करने वाली है, बहुत टैलेंटेड है, और हमेशा सपोर्ट करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा स्टार बने, लेकिन इसको खुद को भी नहीं पता कि इसके अंदर कितना टैलेंट है। अच्छा। तो मैं वो निकालने की कोशिश करता हूँ। वाओ। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसा मानते हैं कि उनके अंदर जो भी टैलेंट था उनके घर वालों की दखल की वजह से और निखरा है, उनका करियर अच्छा बना है या खराब हो गया है, जो भी है आप अपने विचार रख सकते हैं। जी हेलो कपिल सर। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? कनु भाई पंचाल। कनु भाई? हाँ कनु भाई। सर आपकी वाइफ भी कनु भाई बोलती है आपको?
नहीं ऐसे ही वो क्या प्यार से बोलती हैं आपको? कन्नो। नहीं नहीं अभी तक तो नाम से बुलाया ही नहीं है। अभी तक बुलाया नहीं? नहीं। कभी कभी तो जब बारिश वारिश होती तब तो बुलाती। गांव से है। हाँ जी। हाँ हाँ। गांव से है तो मतलब बुलाती तो होंगी आपको। आओ ऐसे ही बुला लेती है कभी ओए कहती है कभी ये कहती है लेकिन नाम नहीं देती है। ए जी ओ जी टाइप। हाँ ए जी ओ जी चलता है। अच्छा जी। और यही तो मेरा प्रश्न है सर। अच्छा जी। मैं जर्नलिज्म में पढ़ रहा था। अच्छा जी। और हमारी कास्ट में ज्यादातर लोग पंचाल में इंजीनियरिंग लाइन चूज करते हैं। अच्छा जी। और पापा की भी इच्छा थी कि मैं इंजीनियरिंग में करूं। अच्छा जी। लेकिन मैं जर्नलिज्म कर रहा था। अच्छा तो जी। पापा ने मना कर दिया और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा जी। और जर्नलिज्म में मैं इसलिए कर रहा था जो अभी आपने बुलाया कि नाम बोलती है नहीं बोलती है ये है वो जी। तो मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। अच्छा मुद्दे की बात पे आप आए। आपकी वाइफ आई है साथ में? कहाँ पे है? नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है। अभी ये पोल खुलने वाली, खुद ही खुलेंगे जी। तो जब कैंटीन में बैठे हुए थे तब बात की थी उसने। क्या? कि मेरे पापा ने मुझे खुली छूट दे रखी है। अच्छा जी। कि तुम्हारे फील्ड में जो हो इनसे तुम शादी कर सकती हो। अच्छा। मुझे वो लड़की पसंद थी तो मैंने जबरदस्ती ये फील्ड चूज किया। अच्छा जी। और हमारी थोड़ी बहुत हम आगे भी बढ़ रहे थे। अच्छा जी। लेकिन पापा ने ब्रेक मार दिया। तो वो लड़की जो आपको पसंद आ गई थी वो हाथ से निकल गई। वो भी गई और पढ़ाई भी गई। ऊपर वाले ने हो सकता है आपकी किस्मत के लिए अच्छा लिखा था तो मैडम अच्छी मिल गई आपको। और नहीं नहीं कोई फरियाद नहीं है। हाँ जी। फिर याद कैसे आ गई आपको इतने सालों बाद? इतनी बड़ी बेटी हो गई आपकी। नहीं, आपको आपने याद दिलाई सर। कपिल भैया क्या कर रहे हो? जो कैंटीन में समोसे आपने खाए उसके साथ तो याद मैंने कैसे दिलाई? नहीं कन्नू भाई आप बड़े शातिर हो मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं नहीं, नहीं। बाद में कभी मिली कि नहीं? होता है कभी कभी। मैडम कन्नू भाई क्या बोल रहे हैं? कभी कभी मिलते हैं। बाकी आप देखो आपका घर है अपने। तू आग क्यों लगा रहा है? मेरे को क्यूरियोसिटी होती है ऐसी लव स्टोरी सुन के ना जो बीच में रह गई ना मेरे को बड़ा मजा आता है। और कोई आई लव यू टाइप बोला था उस लड़की ने? नहीं नहीं ऐसा वहां तक बात नहीं पहुंची थी। वहां तक नहीं पहुंची थी। हाँ मैं मेरे साइड से कंफर्म था। थैंक यू सर, मजा आया आपसे बातें करके। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी मैडम। हेलो कपिल। नमस्कार जी। Hello, कैसे हैं आप? आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू मैम। मेरे पेरेंट्स की दखल की वजह से मेरा करियर बन नहीं पाया। अच्छा। पर मेरे हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से मेरा करियर बन गया। ओह वाओ वाओ। क्या मतलब आप तभी क्या करना चाहती थी पेरेंट्स के घर पे? आई वांटेड टू बिकम अ सीए। ओके। पर शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी। ओके, सुबह 4:30 हो गई थी। जब मैं 19 थी मेरी शादी हो गई। अच्छा जी। हाँ, सो शादी को 19 साल हो गए। तो उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई शुरू की? पढ़ाई करी और मैंने 14 इयर्स जॉब भी किया। वाओ। पर मतलब कहने का है कि ये अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहे तो शादी के बाद भी कर सकती है, बशर्ते कि आपका जो पार्टनर आपको सपोर्ट करने वाला हो। सपोर्ट करे। तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। नमस्कार सर। एक बात कहना चाहता हूँ। जी सर। मैं जब उनको देखने गया था तो वो इतनी पसंद आ गई मुझे। हाँ जी। कि मैंने कहा कि पढ़ाई छोड़ करियर छोड़ पहले शादी करते। अच्छा। हाय रे मानव जाति, ये आदमी पहले अपना सोचते कि पहले शादी करते, फिर आपने सपोर्ट भी किया उनको। उनको सपोर्ट किया और उन्होंने जॉब भी की और अच्छा प्रोग्रेस किया था जॉब। वेरी गुड सर, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को ही। और वेरी गुड सर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू, आपने पूरा अपना सपना किया। थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो एक बार तारा फ्रॉम सतारा की टीम के लिए जोरदार तालियां। ऑल द बेस्ट, आप सब लोग लगे रहिए मिलजुल के, ऐसे सोनी को टॉप पे रखना है सर। बहुत बहुत धन्यवाद शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। आइए सर, आइए आइए। आजकल हर बंदा फिटनेस के लिए जिम जाता है।
पहले लोग अखाड़े में जाके कुश्तियां करते थे, आपने तो देखा ही होगा सबने, डंबल वगैरह ये सब मशीनें तो अभी आई हैं। पहले वो लकड़ी का क्या होता था, मुग्धर ऐसे से घुमा के पूरा फिट रहते थे। मैंने अर्चना जी की स्ट्रगल देखी है पहले पहले नहीं हाँ तब जिम नहीं होता था तो इनके पास मुग्धर भी नहीं होता था, फिर तो ये परमीत जी को उठा के ना अपने पति को तो यूं घुमा के इनकी भी सेहत बन गई, वो भी लंबे हो गए। अब तो पहलवानी में बड़ी सारी सहूलियत आ गई अर्चना जी, आपने देखा होगा पहलवान अच्छे अच्छे जूते, अच्छे अच्छे वो ड्रेस रहती है उनकी, वो गद्दे पीछे रहते हैं। पहले तो आपको पता है मिट्टी के मैदान में लंगोट पहन के लाल रंग का वही कुश्ती करते थे। अच्छा उतना मैदान का एरिया नहीं होता था जिससे ज्यादा पहलवान का लंगोट के बाहर दिखता था, मतलब True. पहलवान के लिए डबल काम हो जाता था पता क्यों? अरे एक तो सामने वाले पहलवान से जीतना, दूसरा लंगोट को खुलने से बचाना। हमारे यहाँ ना कुश्ती की ट्रेनिंग बचपन से शुरू हो जाती है। जब बच्चा स्कूल जाने को तैयार नहीं होता ना तो माँ उसको स्कूल बस की तरफ खींचती, चल तू चल, तो बच्चा कहता मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। तब माँ का पंजा आता है ऐसे, फिर पीठ पे ब्रेक से पड़ता है। अच्छा बीच में ना बस कंडक्टर आ जाता है, वो फंसता है क्योंकि बच्चा माँ को तो कुछ कहता नहीं, कंडक्टर की कलाई पे काट के इधर घड़ी बनाता है फिर वो, तू क्यों खींच रहा है मुझे। अच्छा कुश्ती यही खत्म नहीं होती स्कूल में जब एग्जाम्स होते थे। अच्छा वो बच्चे भी मेरे जैसे जो सारे पेपर पे ना ओम साईं राम लिख के ना तीन तीन घंटे बैठे रहते थे, जैसे ही बेल बजती थी पता नहीं इनको सारे आंसर कैसे याद आ जाते थे। टीचर पेपर की थी वहां पे मैडम बस हो गया मैडम, तो पता नहीं बिना देखे लिख रहे थे। अर्जुन जी आपने हड्डी बिठाने वाले पहलवान देखे कभी? एक तो डॉक्टर होते ना ऑर्थोपेडिक, एक अलग से एक देसी इलाज होता है। पहलवान इनकी छोटी छोटी दुकान होती है, पीछे इनकी ना पहलवानी के दिनों की फोटो लगी रहती है। अच्छा अब फोटो को ध्यान से देखो, मूंछें और पेट चमक रहा होता है, तो साफ पता चलता है कुश्ती से ज्यादा इन्होंने देसी घी पे फोकस किया है। तो इनका बड़ा स्टाइल बड़ा मजेदार होता है ठीक करने का, जैसे किसी की हड्डी टूटी ना बातों बातों में पता भी नहीं चलता कब पकड़ते, बेटा हड्डी कहाँ टूटी थी स्कूल में? अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नौवीं में। नवी मुश्किल होती बेटा, दसवीं तो अपने आप हो जाती कड़क करके हड्डी। हाँ और सारा दिन बैठे बेचारे हड्डियां ठीक करते रहते लोगों की, शाम को जब उठते ना तो खुद से नहीं उठा जाता, फिर अंदर से लड़का बुलाता बेटा खोल जरा आगे। लवली बॉडी अकड़ जाती है। और घर अगर 15-20 किलोमीटर दूर हो, आधा घंटा मोटरसाइकिल में बैठ जाए ना तो उसके बाद उतरते भी बॉडी सीधी नहीं होती, फिर यूं ही चलते हैं वो, ऐसा लगता है मोटरसाइकिल किसी ने नीचे में से निकाल लिया है। अच्छा मैं पहलवानी की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सामने बैठी हुई हैं, आप तो रोज ही होती हैं, मैं पहलवानों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक फिल्म आ रही है पहलवान और उसी के लीड स्टार्स हमारे आज के मेहमान हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा फिल्म पहलवान से हम सबके चहेते मिस्टर सुनील शेट्टी एंड मिस्टर सुदीप किच्चा। अन्ना सुदीप सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अन्ना से तो मुलाकात होती रहती है, सुदीप सर आज दूसरी बार आए हैं, पहली बार आपको पता है सीसीएल के लिए आए थे। सुदीप सर आपको तो प्रमोशन करने की आदत नहीं है ना, उधर करते नहीं है? किधर सर? साउथ में कहाँ करते प्रमोशन फिल्मों की, फिल्म आ गई बस इतना काफी है फैंस के लिए। इसका कोई जवाब दू? नहीं नहीं आई मीन इसके पीछे कुछ तो है। नहीं नहीं कुछ नहीं रख रहे अंदर। अरे नहीं तो अभी फेंक दीजिए बाहर। नहीं सर ऐसा कुछ, वो तेरे सवाल से डर रहा है, कुछ बोलेंगे। इतना डाउट इसके ऊपर, इतना डाउट सबको, क्यों ऐसे लगता है अभी सडनली कॉन्शियस हो गया कि चाप खिंचा सोच रहा है? नहीं सर ये क्या है, अगर ये स्ट्रेट आते हैं तो कपिल शर्मा शो नहीं होता ना। अच्छा पहलवान के ट्रेलर से साफ दिखाई दे रहा है कि सुदीप सर जो है वो पहलवान है और अन्ना जो है उनके गुरु का रोल निभा रहे हैं, पर ना और भी तो कुछ चीजें होंगी फिल्म में, आई मीन बहुत सारी चीजें होंगी जो आप बताना चाहते हैं इस समय फिल्म के बारे में। आई थिंक इमोशनली बहुत पावरफुल फिल्म है, एक गुरु शिष्य का जो रिलेशनशिप है, जो रोमांस है फिल्म में। जी देखिए एक पहलवान हमेशा चाहता है कि उसका शिष्य जो है वो हमेशा सदा ब्रह्मचारी रहे। जी तो वो रोमांटिक एंगल भी एक बहुत ही पावरफुल एंगल है कि क्या होता है, क्या टर्मोइल है फिल्म में। और मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्म है ये, एक जेन्युइनली मैं कहता हूँ कि एक ऑल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो हर जो बच्चा है, हर जो लड़का है जो स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहता है, आई थिंक उसकी कहानी है ये। तो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये फिल्म जो है 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। 5? वाओ। सुदीप सर आपको 5 लैंग्वेजेस आती है? मलयालम नहीं आता। मलयालम नहीं आती, बाकी सारी आती है। या दैट्स माय वाइफ्स लैंग्वेज। आपने जानबूझ के नहीं सीखी? नहीं वो क्या होता है सर, देयर फैमिली इज क्वाइट ह्यूज। जी जब भी उधर जाते हैं तो बिना सबटाइटल्स के कुछ आता नहीं है अभी, तो ठीक ठाक है, बेटर रहते हैं, वो भी बेटर रहते हैं सर।
इशारे से हो जाता है काम. अच्छी बात है, बीवी की लैंग्वेज सीखो ही मत. वो क्या बोल रही है घर में, लड़ाई क्लेश की कोई संभावना ही नहीं. जैसे आपको इतनी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, मुझे 2.05 लैंग्वेजेस आती हैं ना. 2.05 जी. हाँ. तो 0.5 क्या है? जैसे एक हिंदी एक पंजाबी, 0.5 इंग्लिश. 2.05. पर ये सोच के कितना मजा आ रहा है कि अन्ना और सुदीप सर जो है वो 5 लैंग्वेज में जो है आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे. अन्ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं अलग अलग जगह से आते हैं, गुजरात से आते हैं, पंजाब से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं. कितने यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग भाषा में, अन्ना का एक बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा. ऐसे अन्ना मस्ती के लिए हम लोग जी. अन्ना, सुदीप सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए. कोई है जो अलग अलग भाषा में बोल सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं अपना. जी, तो सबसे पहले जिन्होंने हाथ खड़ा किया भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज राजपूत है. मनोज राजपूत, गुजरात राजकोट से आया हूँ. अच्छा जी, वाओ जी. गुजराती में मैं सुनील सर का डायलॉग बोलना चाहूंगा. हाँ जी, बोलिए. ए अंजलि, हूँ तने भूली जाऊ ए थई नहीं सके, अने तू मने भूली जा ई हूँ थावा नहीं दऊ. ये शक्ति जी और मेरा कॉम्बिनेशन हो गया. तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया है ना, अभी उससे निकलना मुश्किल हो गया. कभी कभी मैं भी खुद ऐसे ही बोल देता हूँ. लेकिन गुजराती में नहीं बोला है? नहीं, हमारे गुजराती में ए आता है ना. ए तो बोल, ए तो मैं बोला ना पहले. ए अंजलि, तू ए नहीं बोला, ए बोला. तो लास्ट में बोला. ए वो अलग भाषा था, ए की भाषा बगल. क्या करते हैं मनोज जी आप? अकाउंटेंट हूँ मैं. अकाउंटेंट हो आप जी. बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त जिन्होंने हाथ खड़ा किया था? जी मैडम, आप कहाँ से आए? मैम, काफी लोगों ने ये जैकेट पहनी हुई है, लाइफ सेविंग जैकेट. हम लायंस क्लब से आए हैं. लायंस क्लब कहाँ से? लायंस क्लब बॉम्बे. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका. कितने लोग आए हैं लायंस क्लब से? हम 50-60 लोग हैं. अरे वाह, बहुत सारे. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का. तो आप अन्ना का डायलॉग बोलने वाली हैं? हाँ जी. किस भाषा में? तमिल भाषा में. ओ जी. अंजलि, नाउ उन्ने मार्क मुडियाद, நீ என்ன மறக்கவே நான் உன்னை மறக்கவே விட மாட்டேன். ஆய் ஹாய் அண்ணா, தமிழ் சுதீப் சார் ஆப்னே சமஜா, பில்கல் சஹி போலா உன்னே. ஆல்மோஸ்ட் 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 பர் ஜித்னே பியார் சே ஆப்னே போலா நான் அஞ்சலி 10 ரூபாய் தேக்கே ஜாத்தீ கி யே லோ. ஐ திங்க் அண்ணா ஷட் ட்ரை வாட் தி லேடி டிட் இன் தமிழ். வா அண்ணா, சோ மச் ஆஃப் தமிழ். Anjali. Anjali. Hey Anjali. Hey Anjali. Na onne marakave mudiyadu. Na onne marakave mudiyadu. 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 Onne naan ennai maraka uda maten. Onne naan erka maraka mudiyadu. पंजाबी में सुनने का असर आ रहा था. ओने नान, जिनने तू खादे ओने मैं खादे. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, शुक्रिया. और कोई हमारे दोस्त जो ये डायलॉग बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी लोगों ने हाथ खड़ा किया था, इस तरफ भी हैं. जी मैं निधि, रिधि, हरियाणवी में आपको. अच्छा जी, मजा आ जाएगा. इंटरेस्टिंग. रे छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं ये हो को नहीं सके, और तै मन्ने भूल जाइया मैं होन को नहीं दूं. अब यही किच्चा बोलेंगे जो आपने बोला. Take a deep breath. Let's go. छोरी अंजलि, छोरी अंजलि छोरी अंजलि, मैं तन्ने भूल जाऊं, मैं तन्ने भूल जाऊं, ये हो को नहीं सके, ये हो को नहीं सके, और तय मन ने भूल जाए. अब आप समझे ना, मैं मलयालम दो मिनट में कैसे रूप ही चेंज हो गया. शिष्य से गुरु. और कोई हमारे दोस्त जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं? जी भाई साहब. हेलो कपिल सर. हाँ जी.
हेलो कपिल सर. अच्छा पहले तो तुम मन में बोल गए थे. हेलो सर. हेलो मैम. नमस्कार. हेलो एवरीबॉडी. सर मैं पंजाबी में डायलॉग बोलना चाहता हूँ. अच्छा जी बोलिए. हाँ जी अंजलि. हाँ जी मैं तो हनु भुल जा. हाँ जी अंजलि जी. हाँ जी मैं तो हनु भुल जा आ तो हो नहीं सकता ते तुसी मेनू भुल जाओ आ मैं हो नहीं दूंगा. पंजाबी तो बोल नहीं सकते लेकिन वो जो अंदाज होता ना पंजाब में ओए अंजलि मैं तन्नू ना. अंजलि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता तू मेनू भूल जाए मैं तेरे प्यो नु चक लेना. कहां से है ब्रदर आप? सर मेरा नाम सोनू है बठिंडे तो आई रामपुरा फूल. अच्छा जी बठिंडे से बहुत बहुत स्वागत है आपका. शुक्रिया धन्यवाद. बहुत अच्छा किया आपने. बहुत अच्छा. और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब. हेलो सर मैं बंगाली में बोलूंगा. अच्छा जी वेरी गुड. अंजलि आमी तुमाके भूले जाबो ए होते पारबे ना और तुमी आमाके भूले जाओ ये आमी होते देबो ना. अंजलि आमी तुमाके भालोबासी. ये कहां से? दे आर फीलिंग इट मोर देन यू. इंप्रोवाइज देखो अन्ना देखो हमारी ऑडियंस. अच्छा बोला आपने. अच्छा बोला. अच्छा बोला. थैंक यू शुक्रिया. और कोई है खत्म जी. हेलो एवरीवन. हाय सर. हेलो. मैं ये डायलॉग भोजपुरी में बोल के दिखाऊंगी. वाह जी बोलिए प्लीज. ए कमलेश तू हमरा के भूल जाए हम ही होए नहीं देबे. कमलेश कौन है? ए कमलेश कौन? अभी फंस गई आप. कमलेश कहाँ से आ गया? अंजलि था. सर है एक भाव नहीं देता. कमलेश भाव नहीं देता. भाव नहीं देता. क्या भाव है कमलेश का? कमलेश का नाम क्या है? कमलेश ही है. ओ अच्छा. अच्छा आया साथ में कमलेश आया. नहीं नहीं भाव ही नहीं देता बताई तो. निरवा को बोलूं? या मनो रवि रवि किशन को बोल दो. रवि को काम हो जाएगा. तो इसके माध्यम से आप उनको बोलना चाहती है? हाँ मैं उसको ताना मारना चाहती हूँ. तो कैमरा देख कर बोलो. ए कमलेश हम तोहरा के भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता है और तू हमरा के भूल जा ऐसा हम होने नहीं देबे. इनके तेवर देख के मुझे तो समझ में आ गया कमलेश भाव क्यों नहीं देता. ये तो कैमरे में से आंख निकालने को बोल रहे हैं. इतनी छोटी सी है लेकिन अंदाज देखो. वाह थैंक यू मैम. नहीं वो वैसे कॉम्प्लीमेंट था नहीं. कितने सर आप ट्राई करेंगे कन्नड़ में? कन्नड़ा 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 कि मैं तुम्हें भूल जाऊं इन कन्नड़ा. ना निन्न मरियादिकंतो साध्य इल्ल नी ನನ್ನ ಮರಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ देखो ये एडवांटेज है भारी आवाज का. हाँ, मेरे को भारी करके बोलना पड़ रहा था तो लोगों ने ऐ जोड़ दिया उसमें. अच्छा आप सबको पता है अन्ना का जब हिंदी फिल्म में डेब्यू हुआ तो भलवान फिल्म से हुआ. अब कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं अन्ना. यहाँ पे भी आप पहलवान के गुरु बने हुए. आपने सोचा हुआ है कोई भी भाषा में फिल्म करूं बनूंगा मैं पहलवानी? पहले ये भी मेरी पहली फिल्म ही है ना कन्नड़ की. मेरी पहली फिल्म है. जन्मभूमि है मेरी लेकिन मैंने कभी कन्नड़ फिल्म की नहीं थी और पहली फिल्म है. तो पहलवान और बलवान मैच भी होता है और आई थिंक तमिल में बैलवान 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 तो दोनों को मिक्स भी कर दिए देखा. अच्छा वाओ. सो गुड फीलिंग. हमने ऐसा सुना है कि सुदीप सर ने इस फिल्म के लिए 15 किलो वेट लूज किया. इज इट ट्रू सर? जी. कैसे कर लेते सर? मैं 6 महीने से कोशिश कर रहा हूँ 2 किलो कम करने की. 6 साल से. कल मैंने तोला अपना वेट 800 ग्राम ज्यादा निकला. बोल रहे 6 महीने से कर रहा हूँ क्या कर रहे पता नहीं. मेरे को कर रहे मैं कुछ करता हूँ योगा वोगा करता हूँ थोड़ा बहुत और बस नहीं होगा सर. कोशिश मत करो सर. अन्ना जब आपने पहली फिल्मों में डेब्यू किया बलवान से तब आपकी शादी हो चुकी थी ना? शादी जिस दिन आई थिंक मैंने डिसाइड की कि मैं फिल्में करूँगा आई थिंक तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि शादी भी करूँगा क्योंकि 9 साल से अफेयर चल रहा था. माँ बाप रेडी नहीं थे जी. अब माँ बाप रेडी हुए और फिल्मों की वजह से मैं ये नहीं चाहता था कि शी गेट्स इनसिक्योर अगेन. तो मैंने यही सोच लिया कि पहले शादी कर ले एंड इट इज़ बेटर क्योंकि फिर दोनों काम आराम से हो जाएगा. और वैसे ही हुआ. बड़ी अच्छी बात है. अन्ना ये बात कहाँ तक सही है कि आप माना मैम से पेस्ट्री शॉप में मिले थे पहली बार? फैक्ट है
दुकान का नाम था पेस्ट्री पैलेस, क्योंकि वहाँ स्नैकी और पेस्ट्रीज वेस्ट्रीज मिलते थे, और बाजू में ही एक वीडियो की दुकान थी. अच्छा. रोज शाम को वहाँ से वीडियो लेने आती थी. अच्छा. और मैं पेस्ट्री के दुकान पे, मैटर एट पेस्ट्री पैलेस ओनली. I met her at Pastry Palace. हम लोग रोज मिलते थे वहाँ पर. Yeah, yeah, मतलब absolutely. पूरे ग्रुप था. जैकी दादा, हम लोग सब वहीं बैठ के बड़े हुए हैं. दो पॉइंट्स थे हमारे, एक तो पेस्ट्री पैलेस था और दूसरा स्कैंडल पॉइंट. स्कैंडल पॉइंट. स्कैंडल पॉइंट, क्योंकि तब लड़का लड़की का मिलना यानी वो एक स्कैंडल था. आज के जमाने में जैसे ही होता था ना, मुंबई में ही तो होता था. पंजाब में गर्दन पे थप्पड़ पड़ते हैं. नहीं, मुंबई में भी होता था. तो वो हमारे पॉइंट्स थे. आपके प्रोड्यूसर भी है नदीम भाई, जो है वो भी वहीं घुमा करते थे बाइक पे. हाँ, क्योंकि हम लड़कियों के साथ रहते थे तो खुन्नस का लुक भी देते थे, तो वो सब चलता था वहाँ पर. अन्ना, अगर आपके टाइम पे इतना मुश्किल था, अर्चना जी आपके टाइम पे तो बहुत ही मुश्किल होगा. नहीं, मैंने ऐसे सुना है. मैंने मैं एक ही टाइम अरे मुझे कोई बता रहा था, कह रहे जमशेद जी टाटा और आप क्लासमेट थे. सुदीप सर, आप जब एक्टर बने, उसके पहले से आपको पूरा क्लियर था कि मुझे एक्टर ही बनना है, कि आपने पहले कुछ और चीजें ट्राई की थी? नहीं सर, मैं आया डायरेक्टर बनने के लिए. अच्छा. अच्छा, ये एक्सीडेंटल हो गया. अच्छा. एक्चुअली इंजीनियरिंग पढ़ता था मैं. आई एम एन इंजीनियर. आप भी इंजीनियर? एक और इंजीनियर. आप भी यानी कहो कि जा सर, आप इस महीने कोई 11वें गेस्ट हैं जो इंजीनियर हैं. उसके पहले तापसी पन्नू आई, सोनू सूद आए, सुशांत सिंह राजपूत है, सब इंजीनियर हैं. सर कुछ गलत है सर? नहीं, गलत नहीं है. तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का FTIA या NSD में एडमिशन ना हो, आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आप एक्टर बन सकते हैं. Myself, Bhuri. Hi. Hello, sir. How are you? Good. Anna, how are you? Good. How are you? Sir, कैसे आप इतने टाइम बाद घर पे सब कैसे? How's Athiya? She's good. Very, very. Athiya क्या होता है? छोटी मैडम बोल. बहुत छोटी मालकिन कैसी हैं ये? तो आपको पता नहीं होता तो किनसे बात कर रही है? Excuse me, Kappu जी, मुझे पता है मैं सुनील शेट्टी सर से बात कर रही हूँ, सुदीप सर से बात कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके, अपनापन है, हम सब एक ही इंडस्ट्री में है. अगर कैजुअली बोल दिया, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कितनी प्रॉब्लम है तुम्हें? जितनी उन्होंने फिल्में की ना, अगर उनकी DVD ऐसे से रखनी शुरू करो ना, तो तेरे से 2 फुट ऊपर चली जाए. सेम इंडस्ट्री ही है. कितने सर, शी इज ओवर फ्रेंडली. एक्सक्यूज मी सुदीप सर, इसको ना आइडिया नहीं है. सर आप इसको बताइए कि साउथ में भी मेरे कितने दीवाने हैं. तेरी शक्ली मेंदू बड़े जैसी है तो तेरे को दीवाने से क्या मतलब? सुदीप सर, इसका ब्लड टेस्ट कराया. हाँ. इसमें वो बैगर पॉजिटिव निकला. हाँ? क्या? कोई गेस्ट आते थे, चीजें मांगने शुरू कर देते. उस दिन अरुणा ईरानी आई, कहती बेटा फिल्म तो हो गई, उसके कपड़े मुझे मिलेंगे. अच्छा. मैं जब बुढ़ी हो जाऊंगी तो पहनूंगी. देखो फ्यूचर की कितनी सोचती है. देखो आप, कप्पू देखो, आज अगर बात भूरी के स्वाभिमान पे आएगी ना, आज नेशनल टेलीविजन पे सारे खुलासे होंगे. फिर खुलासे तो तेरे हो ही रहे हैं, रोज अखबारों में खबरें आती है. कभी सिलेंडर चोरी कर लिया, कभी नल. आप यकीन नहीं करेंगी अन्ना, उस दिन एक ना छोटा सा पपी कुत्ता खंबे पे हल्का हो रहा था, उसको उसी पोज में उठा लिया इसने. क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी बोले जा रहे हो. अब वो तो उस कुत्ते का मालिक ना धार का पीछा करते करते घर तक पहुंच गया. पीछे सर, सी हर फिंगर्स जली होंगी, थोड़ा जलता बल्ब उतार लेती है ना लोगों का बाहर से. डोंट रहोगे हंसाने के लिए? अच्छा, मैं कुछ भी बोलता हूँ और ये कुछ भी बोल दे, मजा ला हंसी. ये बम्बलबी फ्रेंड की तुम क्यों बने बैठे हो आज? What kinds of rubbish English you're speaking? चलो अंग्रेजी. क्या मांगता है तुमको? फ्रूट लो जो लेना है और चलो. तुम अगर बीच में टांग ना लड़ाओ ना तो मैं एक्चुअली जो करना है शायद मैं कर लूं. ओके. सर पता है एक्चुअली हमारे शो पे पिछले हफ्ते प्रभास सर आए थे. लेकिन उस दिन मैं नहीं आई, पूछिए क्यों? मैं बता देता हूँ, उन्होंने खुद ही मना किया था. प्रभास ने, वो कह रहे थे तुम्हारे शो में एक वो लड़की है ना जो देवसेना के अंगूठे जैसी, उसको डोंट अलाउ हर, ऐसा उन्होंने बोला था. मैं बता रहा हूँ, तुम ज्यादा ना बाहुबली मत बनो, पता चले मुझे कटप्पा बनना पड़े. वाह. नहीं सर, एक्चुअली बात यह है कि वो शो पे आने से पहले ना
प्रभा सर ने मुझे मैसेज किया, भूरी आज अगर तुम स्टेज पे आ गई ना तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल हिल जाएगा। वाह, जिसको पैदा करने के बाद घर वालों ने ये सोचा कि काश हमने उस रात कहीं और कंसंट्रेट कर लिया होता। ये कंसंट्रेशन हिलाएगी तू? क्या करने आए हो? क्या मांगता है तुमको? क्या मांगता है तुमको? मुझे कुछ नहीं मांगता सर। मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा, उसमें जब देसी स्टाइल प्रैक्टिस करते हो ना, मैं इंस्पायर होके थोड़ा बहुत मैं भी करने लगी हूँ। जैसे आप टायर बांध के नहीं चलते, तो ये क्या करती है, स्कूटर का स्टेपनी उठा के पीछे बांध के भागती है, घर लेके जाती है। हाँ, तो पकड़ी जाती तो बोलती आई वाज प्रैक्टिसिंग। ऐसे मैं क्यों टायर खोलूंगी कप्पू? मेरे इशारे पे बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती हैं, तो मैं क्यों टायर खोलूंगी? इशारे पे क्या रुकती है, वैले पार्किंग में काम करती है तो रुकी जाती ना। अन्ना ये 10 रुपए टिप के चक्कर में ना बड़े बड़े अमीरों के ड्राइवरों को मसाला मल के देती है। मैं वो मेरे प्ले में कैरेक्टर था जिसकी मैं ट्रेनिंग कर रही थी, मैं सीता यारी कर रही थी उस कैरेक्टर की। सर एक्चुअली आप दोनों को मेरी एक्टिंग देखने के लिए मेरा प्ले देखना चाहिए। आई एक्चुअली गिवन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। उनको क्यों देखनी, वो सुपरस्टार ऑलरेडी, तेरा क्यों तेरी एक्टिंग देखेंगे भी, आउटस्टैंडिंग होती है। मैं बताता हूँ आउटस्टैंडिंग, इसका जाओ प्ले देखने आप, पहले तो लोग स्टैंड होते हैं फिर आउट होते हैं और उसके बाद बाहर जाके वो बड़ा ताला लगाते हैं, बोलते टिकट के पैसे दो नहीं तो पुलिस बुलाएंगे। उस दिन भी नौटंकी में बंदर का रोल किया, केले लेके भागी उनके। ए, मेरे को मजबूर करती है जुबान खोलने के लिए। नहीं नहीं अब चुप क्यों हो गया, आगे बोलो जोक, आगे कैरी करो। आगे क्या, आगे लंगूरों ने घेरा इसको करके। अच्छा, हमारे केले इधर रख। ऊपर से शर्मिंदी नहीं हो रही, ऊपर से उनको बोल रही है गाइस लिसन आई एम फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी, ओके। ये कहां से लाते हो ये बात? नहीं नहीं आज बता दो सबको कि तुम ये वाहियात बातें कहां से लाते हो। जहां से तुम्हारे चेक आते हैं वो कभी पूछा तुमने? अंबानी के बाद कोई दूसरा है जो पर मिनट के हिसाब से पैसे कमाता है? 5 मिनट काम नहीं किया, 6 घंटे से बाहर स्टेटस डाल रही है हैशटैग आई लव माय जॉब हैशटैग दिस एंड आधा दर्जन कॉफी पी चुकी है ना, 4 स्पॉट बॉय थक चुके हैं इसके चक्कर में। अच्छा ना मैम आप कुछ बोलिए ना इसे। वो तो खुद यही कर रही, वो क्या बोलेंगी। यस किचा सर अपनी फिल्म से 2-3 पहलवान लाइए, उनको उठा के ले जाएं बस। आज इस शो पे पहलवान आएंगे लेकिन मुझे निकालने के लिए नहीं। अच्छा, तुम्हें भूरी का क्रेज दिखाने के लिए। ओके सर, एक्चुअली 2 पहलवान हैं जो मुझसे शादी करना चाहते हैं एंड आई एम वेरी कंफ्यूज, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए टू चूज हु इज द बेस्ट अमंग। मैं उन्हें बुलाती हूँ। एक्सक्यूज मी, आइए प्लीज। आइए, रिस्पेक्ट। पहलवान खड़े से है कि लेडी संगीत से? ये क्या है? एक सेकंड, आप खड़े क्यों हैं? कुछ बोल दीजिए। नहीं बेबी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू मैरी मी? सौ लोगों को कितना क्रश है मेरे ऊपर। आप जाइए, मैं डिस्कस करके आपको बता दूंगी। अरे चूज नहीं किया बाद में। ये कपड़े पहने के चिपकाए हैं तुम लोगों ने। उनको बोलो सही से बताओ क्या करने आए हो, तो हमारे भी पहलवान है उधर। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए सर, ये बुरी मैडम है ना, इन्होंने हमें कहा था कल आकर तुम मुझे प्रपोज कर दो तो आपका अकाड़ा साफ कर दूंगी। प्लीज लीव, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, प्लीज लीव। अकाड़ा साफ कर दूंगी। तो ये जो दोनों आए थे, शाहरुख और सलमान जो आए थे तुम्हारे, ये पसंद करते हैं तुम्हें? अरे सब पहलवान की ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं सब, और जब मूवी आएगी मूवी को भी सब पसंद करेंगे। जोरदार तालियां पहलवान मूवी के लिए। अन्ना आप तो जानते ही हैं, सुदीप सर हमारे आर्टिस्ट की ये खासियत है, जब पकड़े जाते हैं ना तो चापलूसी पे उतर आते हैं। चलो छोटी बिल नाशपाती लो और चलो। छोटी क्यों, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ऑल द बेस्ट सर, बाय। सुदीप सर, अन्ना कुछ अफवाहें हैं मार्केट में उड़ती रहती ना, हम यकीन नहीं करते। हाँ। हम सामने से कंफर्म करते हैं, तो 5-6 अफवाहें मैं एक एक करके पूछता हूँ। अन्ना आपके बारे में अफवाह है कि आप अपनी कार में जैक नहीं रखते क्योंकि टायर बदलने के लिए आप खुद ही गाड़ी ऐसे उठा देते। वो वक्त हमारा था, अब कहाँ है वो। अरे अन्ना वक्त आज भी आप ही का है, तो मतलब ये अफवाह है ना? अफवाह है, अफवाह है। ओके सुदीप सर, बोलते हैं कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको रीमेक किंग बोलते हैं, ये अफवाह है कि सच है? सर किंग ठीक है सर,
रीमेक नहीं, रीमेक वो बात करते हैं सर। ओह ओके। अच्छा अन्ना एक और अफवाह कहते हैं आप और सनी देओल दोनों के जो डांस डायरेक्टर हैं वो एक्शन डायरेक्टर असल में। अभी भी पिटेगा। अच्छा, सही है। और अगर डांस डायरेक्टर भी हो तो हम लोग करते हैं एक्शन जैसे ही। वो हमारी खूबी है। सुदीप सर एक अफवाह आपके बारे में है कि मक्खी फिल्म के बाद आपने वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया है जिसमें आप मक्खी मारना सिखाते हैं। सुदीप सर एक अफवाह ये है कि जापान में च्युइंगम के कवर और मोबाइल के कवर पे आपकी फोटो लगी मिलती है। रियली? जी सर। रियली? हाँ। वाओ। इनके फैंस ने वहाँ पे बहुत सारे ऐसी मर्चेंडाइजिंग है। अन्ना एक अफवाह है कि आपने महिमा चौधरी की कार में सांप डाल दिया था। गलत, लेकिन वो आज भी सोचती है कि सांप मैंने डाला था। मुझे खुद को सांप से इतना डर है तो मैं कहाँ डालूंगा। पर किसने डाला था? ऐसा इंसिडेंट हुआ था और इधर ही फिल्म सिटी में ही हुआ था। पर किसने डाला था? यू मस्ट बी नोइंग। बारिश आ रही थी, इट वाज रेनिंग लाइक क्रेजी, तो सांप भी बेचारा। हाँ, रियल सांप वो इंजन में चला गया था क्योंकि दे नीड हीट ना। तो अन्ना सांप को कैसे पता इधर इंजन होता है? हीट। अच्छा, हीट की वजह से। हाँ, हीट की वजह से। अच्छा, ये एनिमल बड़े चालू होते हैं, इनको पता होता रहता है सब। ओके अन्ना एक अफवाह ये भी है, आपके पास कई बार फोन आ जाता है कि अन्ना जी एक अनशन पे बैठना है, फिर आप उनके बताते हो कि मैं वो अन्ना नहीं हूँ। ओके, ये अफवाह ही है एक्चुअली। अच्छा, अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें हमारे बहुत सारे सुपरस्टार जो है वो पहलवान बने हैं, जैसे दंगल में आमिर सर बने हैं, सुल्तान में सलमान सर बने हैं, अभी किचा सर उसमें पहलवान बने हैं। मैं यहाँ बैठी जितनी लड़कियाँ हैं जो ऑडियंस में, उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या जब आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर ढूंढती हैं या देखती हैं, आपको पहलवान टाइप लड़के पसंद आते हैं कि जो ठीक ठाक हैं, नॉर्मल हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं? जी मैडम। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। हाय। सर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो भी लाइफ पार्टनर हो वो पहलवान जरूर हो। अच्छा जी। क्यों? आज की जनरेशन के जो ज्यादातर लड़के हैं बहुत लेजी टाइप होते हैं, कुछ भी काम को कहते हैं नहीं आज मैं थका हुआ हूं या आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूं। तो जो पहलवान होगा वो काफी एनर्जेटिक होगा, तो मैं उससे घर की सफाई करवा सकती हूं, सब्जियां मंगवा सकती हूं, लाइक मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं। किचन सर, यू आर लिसनिंग? यस सर। तो आपको पहलवान चाहिए ताकि अपने काम करवा सके आप? इंग्लिश में उनको पेट कहते हैं। बड़े अच्छे नेक विचार हैं आपके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। सर मेरा नाम आंचल है। वो फिर से बोल दीजिए एक बार। आंचल। मैं कैमरा देख के बोल दीजिए। मेरा नाम आंचल है। हाँ, दूर रहिए उनसे। थैंक यू आंचल। अकेली हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, जाएंगी भी अकेली? थैंक यू। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो। मैं निहारिका हूँ और मुझे अपना लाइफ पार्टनर पहलवान ही चाहिए, बिकॉज मे को मेरा इक्वल चाहिए एज अ पार्टनर। इक्वल? दैट्स नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्टेबल होते हैं एंड वेरी फिट। इट्स अ फैक्ट, क्योंकि इट्स एक्चुअली अ फैक्ट। पहलवान मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग होंगे तो ही वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ कर पाएंगे। एग्जैक्टली, ट्रू, वेल सेड। एंड सेकेंडली, अब मेरे को देख ही रहे हैं आप, ऑब्वियसली मेरा अगर पैर वैर मुड़ गया कहीं तो मेरे को संभालने के लिए कोई मुझे पहलवान ही चाहिए होगा। निहारिका कहाँ से आई आप? दिल्ली से। आप भी दिल्ली से आई हैं? हाँ जी। आप दोनों साथ में टिकट बुक करा लो, सस्ते पड़ जाएगी आपको। निहारिका क्या करती हैं आप दिल्ली में? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। सिविल सर्विसेज की? ओह, कल को ये कमिश्नर लग सकती हैं। निहारिका ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप जो भी कर रही हैं उसमें बहुत कामयाब हो। धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू निहारिका। और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी सर। आपको क्या चाहिए अभी? पहले अच्छा विचार पेश करने। हाय कपिल सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। कहाँ से हैं? मैं बॉम्बे से ही हूँ, वैसे अच्छा। राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। कपिल सर, आजकल पहलवान पर पिक्चरें बनने लग गई जी। मैं हैरान हूँ लड़कियों की जितने फैसिनेटेड हैं पहलवानों के ऊपर। एक वो दौर था जब हम पहलवानी करते थे, अच्छा जी। शादियाँ नहीं होती थी। ओ। बड़ी मुश्किल से मेरा भी जोड़ तोड़ होके मम्मी पापा ने एंगेजमेंट किया। अच्छा जी। शादी हो गई। अच्छा जी। शादी के बाद में
लड़की घबरा गई। क्यों? आप मानेंगे नहीं, 2 साल तक मैं मेरी वाइफ से मिल नहीं सका। ऐसे क्यों सर? पहलवान है, डर लग रहा है। हकीकत है। आपको डर लग रहा था? नहीं, मुझे नहीं, वाइफ को डर लग रहा था। मुझे क्या डर लग रहा था? मैं तो पहलवान था। तो सर शादी के पहले मतलब आपने मैडम को देखा भी था? नहीं, सवाल ही नहीं लड़की को देखना, मतलब ही नहीं। शादी के 2 साल बाद देखा मैंने हकीकत। शादी में भी नहीं देखे? नहीं, शादी में हमारे घूंघट होता है। 2 साल के बीच में अगर कोई लड़की खड़ा कर दे तो मैं पहचान भी नहीं सकता था मेरी वाइफ कौन सी है। ये तो अच्छा हुआ सर। तो पक्का आपने अपनी वाली कोई? नहीं, बाद में तो शादी की तो उसी घर में गेंद लाने के लिए, तो अपनी वाली ही होगी, वास्तव में अपनी वाली होगी। सर मजा आया आपसे बात करके। सर धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया। और हैं जी मैडम? नमस्ते कपिल सर। नमस्ते अर्चना। नमस्ते जी। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अखंडिता शर्मा। तो अखंडिता, फिर क्या विचार हैं आपके? कुछ नहीं, मुझे भी पहलवान पसंद है। और मुझे तो कुछ ज्यादा ही पसंद है पहलवान। ज्यादा ही पसंद है पहलवान? क्यों? हाँ सर, क्योंकि पहलवान बहुत स्ट्रांग होते हैं, मैंने मूवीज में देखा है। मेरे नखरे भी रहते हैं, तो मुझे पहलवान सब चीजों के लिए चाहिए, किसी एक दो या घर का काम वगैरह नहीं करने के लिए चाहिए। तो पहलवान खाते पीते भी रहते हैं, आपको भी खिलाएगा? बताऊंगा उनके लिए, बनाऊंगी ना खाना पीना सब कुछ, जो जो पहलवानों का लगता है, बस मैं पहलवानों की जरूरत है सारी, मतलब उनको सब कुछ पका के दे दूंगी खाने के लिए, और वो भी मेरे सारे नखरे उठाए, जैसे कि मुझे कहीं जाने आने का या चलने का कंटाला, या फिर मैं थक जाऊं तो मुझे उठा के ले आ जा सके। जैसे तीसरे माले पे हो तो नीचे जाना है तो सीधा उठ। पहलवानों का कॉस्ट्यूम भी अच्छा होता है ना? नहीं नहीं, कॉस्ट्यूम नहीं, नहीं। अभी जो आए थे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं। उनमें से कोई पसंद नहीं है? लाल नीला जो आए थे तो मुझे बाऊ पहलवान पसंद है। कौन से पहलवान? बाऊ, बाऊ जो पहलवान होते हैं, मैं उनको बाऊ बोलती हूँ, मुझे बाऊ बहुत पसंद है। नाम भी दे दिया ना। एक्चुअली आपको हंसने का बहुत शौक है, आपको कपिल पसंद आना चाहिए। Then you should shift. पहलवान ठीक है। यार मेरा replacement तो मिल गया तेरे को। अखंडिता क्या करते हो आप, पढ़ाई करते हो क्या करते हो? नहीं, मैं कुछ नहीं करती। मैं हंसती रहती हूँ। अखंडिता बड़ी हसमुख हो आप, अच्छा लगा आपको मिलके। तो अब वक्त है पहलवान फिल्म में एक और अहम भूमिका निभा रही एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड आकांक्षा सिंह। आकांक्षा, हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए विराजमान हो जाइए जहाँ आपका मन करता है। लॉट ऑफ स्पेस। आकांक्षा, मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, पहलवानों की फिल्म में एक सुंदरी, आप क्या कर रही हैं फिल्म में? देखिए, जैसे दाल में तड़के की जरूरत होती है, वैसे फिल्म में हीरोइन की भी तो जरूरत है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है मेरा जी। और फिल्म में 2 तरह के शेड्स निभाने का मौका मिला है, तो पहली कन्नड़ा फिल्म जो 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, तो इससे ज्यादा और क्या मांग सकती हूँ। वाह, कहाँ की रहने वाली आकांक्षा? जयपुर। जयपुर की? मैं जाता रहता हूँ जयपुर। कभी जाए तो फोन करिए। मैम को भी लेके आइए साथ में।
इतना भी नहीं जाता, 5-6 साल पहले गया था। या मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, आकांक्षा जो है बड़ी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस तो है ही, साथ में ये फिजियोथेरेपिस्ट भी है। really? Yes. अच्छा कांक्षा, पहले आपने फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था कि आपकी फिजियोथेरेपिस्ट वाली डिग्री देख के उन्होंने रख लिया कि नहीं? नहीं नहीं, ऑडिशन दिया था। अच्छा हाँ, और करना में लाइन भी बोलनी पड़ी थी जाके। अच्छा। याद करके तो बड़ा ही डिफिकल्ट सफर रहा है। अच्छा। लैंग्वेज का अगर देखा जाए तो। अच्छा। बाकी नहीं, फिजियोथेरेपी की अभी जरूरत नहीं पड़ी, इतने फिट एंड फाइन लोग हैं, क्या जरूरत है फिजियोथेरेपी। मेरे को बड़ी जरूरत पड़ती रहती है फिजियोथेरेपिस्ट की। नहीं कभी कभी होता कैच आ जाता है मसल में। I know what you want to catch. यार, मैं आपको एक और बात बताऊं अंदर की, आकांक्षा बहुत अच्छी सिंगर भी है। Yes. Really? गा लेती हूँ, इनसे अच्छा नहीं गाती और इनसे तो बिल्कुल अच्छा नहीं गाती। मैं एक और बात बताऊं, सुदीप is a brilliant singer. मुझे अभी भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है। इन्फॉर्मेशन करेक्ट, आपको भी मिलता है। I thought only my wife would get information. एक्चुअली सुदीप सर की वाइफ भी यहाँ पे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कपिल उनकी बेटी भी है साथ में। हाँ जी बेटी भी, मैं हैरान हो गया सुदीप सर, अब कितनी बड़ी बेटी। हेलो, ओनली 15। आप मतलब 15 भी, फिर आप देखो ना, लगता नहीं है कि। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ का वर्जन, हालांकि हमने किचा सर से पूछा नहीं, आपकी मुलाकात पहले कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कॉलेज में थी। अच्छा जी, मेरी तो वुमेन्स कॉलेज थी। अच्छा जी, ये हमेशा उसके बाहर ही खड़े रहते हैं। वो अंदर नहीं छोड़ते थे ना मैम? हाँ, वरना अंदर घुस जाते। ओए बाहर रहना पड़ा सर। वाओ सर, ग्रेट स्ट्रगल सर। सर मतलब देखो आप, एग्जाम पेपर्स में भी ऑप्शंस कम मिलते हैं मैम। ये तो ज्यादा था। बट सही ऑप्शन चुना ना यू। हाँ सर, अब तो यही कहना पड़ेगा मैम। तो तब ये फिल्में करते थे तभी किचा सर? नहीं, स्ट्रगलिंग एक्टर थे उन दिनों, वो मॉडलिंग करते थे। अच्छा। और मॉडलिंग, मैं मॉडलिंग ट्राई करता था, कोई लिया नहीं। अच्छा। या शी इज बीइंग वेरी स्वीट नाउ। मॉडलिंग ट्राई किया करता था, फोटोज पे ज्यादा ध्यान देता था, कोई मुझे लिया नहीं। उन दिनों कॉलेज में मैं ड्रामा करती थी। अच्छा जी। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स डायरेक्टेड वन ऑफ आवर प्लेज। ओके। तो उनको आसानी से एंट्री मिल गया कॉलेज के अंदर, ऐसी दोस्ती बढ़ी और प्यार हो गया। तो आप किस चीज से इंप्रेस हुई पहली बार जब इनसे मिली आप? सर फ्री था ना सर। उनके गले की बड़ी फैन हूँ। अच्छा, तो गाना भी सुनाया उन्होंने आपको? जी, वो एक गिटार लाते थे और क्या लाता था सर कॉलेज। आई नेवर यूज्ड टू कैरी गिटार टू कॉलेज एंड ऑल सर। अच्छा। हाँ, थोड़ी दोस्ती बढ़ गई तो लेके गया सर किधर गिटार। तो दोस्ती से कुछ और करना था ना, तो कैसे इंप्रेस करें। आज आपको पता चल ही चुका है कि हमारे जो स्टार्स हैं मल्टी टैलेंटेड है। yeah. तो आकांक्षा लेडीज फर्स्ट, ये माइक आपका है, जो आपका मन कर रहा है। दो आपने लाएं। कभी प्रोफेशनल सिंगर बनने के बारे में सोचा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। सुनाइए फिर आज कुछ। दो लाइनें गाऊंगी। तीन क्यों नहीं? ढाई। थोड़ा नर्वस हूं ना। मेरे घर के सामने तो रीडेवलपमेंट में चली गई बिल्डिंग ना। ओहो। सर अब आपकी बारी है, आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सो मच। वॉइस इज वेरी बहुत बहुत खूबसूरत गाया। ए, कौन है तू? मैं उमराव जान हूँ। देख लिया मैं मक्की हूँ। एक तो इतना खर्चा करवाता है प्रोडक्शन का, इतना अच्छा गेटअप लिया, पूछते है कौन है ये? हाय सुदीप सर। हाय। हाउ आर यू सर? पहचाना सर? आपको कैसे भूल सकते हैं यार। हाँ बिल्कुल, जिस मक्खी से पंगा लेकर इन्होंने करोड़ों रुपए छापे उसको कैसे भूल सकते हैं। शेट्टी साहब कैसे आप? फर्स्ट क्लास।
उनको की बुला रही, उन्होंने भी मक्खी बनाई है क्या? नहीं मक्खी नहीं बनाई। हाँ। ये आज सुबह ब्रेड जैम खा रही थी। अच्छा। हाँ। तो इनके जैम पे मैं ऐसी लेटी हुई थी और ये मुझे हवा दे रहे थे। हवा नहीं दे रहे थे, तेरे को उड़ा रहे थे। किसी के भी नाश्ते में घुस जाती हो तुम लोग। हाँ, घुसूंगी मैं, क्योंकि ये धरती मेरी माँ है सर। तुम लोगों की वजह से हमारा नाश्ता खराब होता है। कभी चाय में गिर जाती हो, कभी कॉफी में गिर जाती हो तुम लोग। हाँ, क्योंकि हम लोग भेदभाव नहीं करते कप्पू। चाहे गरीब की चाय हो या अमीर की कॉफी हो, वाँ वाँ। दोनों में ही जाकर गिरते हैं, नो भेदभाव। हाँ, फिर चाय हो या कॉफी हो, दोनों फेंकनी पड़ती है। हाँ। अच्छा, चाय और कॉफी फेंकते हो, जब दारू में गिरती हूँ तो वो क्यों नहीं फेंकते? आपको पता है अर्चना जी तो किसी भी चीज में नहीं फेंकती। अच्छा। चाहे कॉफी हो, चाय हो, दारू हो। अरे तेरे को पता है कप्पू, क्या एक दिन चाय पी रही थी। हाँ। इनकी चाय में मुर्गा गिर गया। मुर्गा मुर्गा कैसे गिर सकता, तो इतना बड़ा होता है। हाँ, तो इतने बड़े पतीले में ये चाय पीती है ना। जैसे ही मुर्गा गिरा है, इन्होंने मुर्गे को उठाया, ऐसे चूसा। ओह, 2 किलो का मुर्गा 1.5 किलो का हो गया मालूम। अर्चना जी को बीच में क्यों घसीट रही है तुम? हाँ, क्योंकि अर्चना जी और मेरा दुश्मन एक ही है। कौन? वही ठोको ताली। ओ, अच्छा। वो आदमी ठोको ताली कर करके मेरे कितने परिवार वाले शहीद हुए। ठोको ताली। तू ऐसे नहीं मानेगी तू। आए रब्बा। ब्रेकिंग न्यूज़। कपिल शर्मा शो पे भांडा फूटा। क्या? कपिल शर्मा अपने शो की आड़ में चलाते हैं रैकेट। भांडा फूट गया तेरा। तो करने क्या आई इधर? एक्चुअली पता है क्या सर, मैं इंसाफ मांगने आई हूँ सर। ये आदमी सबका इंटरव्यू लेता है। अभी एंग्री बर्ड आया, उसका इंटरव्यू लिया। हम मक्खी लोग का इंटरव्यू क्यों नहीं लेता? तुम मक्खियों ने किया क्या? हाँ, करते तो ये लोग हैं, हम लोग को तो सिर्फ उस पे बैठना होता है। बट यू नो सुदीप सर, इन माय करियर एक चीज मैंने सीख ली है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती सर। तू लगता है ऐसे नहीं मानेगी, तेरा इलाज करना पड़ेगा। रुक जरा। ब्रेकिंग न्यूज, कपिल शर्मा इतने बड़े शो पे मक्खियां मार रहे हैं, देखो। नहीं कर सकता। सही है। तुम लोग मेरे को मार रहे हो। हाँ? और ढाबे पे हमारे नाम का खाना खाते हो तुम लोग। मक्खी के नाम से कौन सा खाना होता है? दाल मक्खनी। दाल मक्खनी, मक्खी की रोटी। वो मक्खी की रोटी होती है। अच्छा, अब तू बोलेगा गोविंदा का वो गाना भी नहीं है, मक्खियों से गोली मार, वो गाना भी नहीं है। अभी आ गई ना अपनी औकात पे, ले आई मामा को बीच। मेरे को पहले से पता था। अच्छा, मतलब पता चल गया मैं कौन हूँ। हाँ, मेरे को पता चल गया। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। सर, ये कोई मक्खी वक्खी नहीं है इधर, ये सपना ब्यूटी पार्लर चलाती है ये। मैं सर की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए मक्खी बन के आई ली मैं। सर, एक्चुअली हमारा ब्यूटी पार्लर इधर, और हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। आपके लिए स्पेशल मसाज है, बॉर्डर मसाज। इसमें क्या? इसमें क्या करते, कस्टमर का कपड़ा उतरते, पूरा बॉडी पे तेल लगाते, लेकिन बॉर्डर बॉर्डर पे मसाज करके बीच का छोड़ देते हैं हम। फिर तेल का क्या करें? फिर उसके बाद संदेशे आते। अच्छा, संदेशे संदेशे आते बॉर्डर में, जैसे आते आते फिर हम संदेशा खोलते। फिर उसमें लिखा रहता है, ओए गुरु मैं जल्दी आने वाला हूँ। ये मसाज नहीं थी, ये संदेशा था किसी के लिए। और आपके लिए, आप डेब्यू करे ना ये पिक्चर में मस्त एकदम। हाँ। टीवी से आप फिल्मों में गए। हाँ। आपके लिए एक मसाज है, टीवी से फिल्मों में मसाज। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या रहते, कस्टमर का कपड़ा उतारते। हाँ। और फिल्मों का तेल लगाते। हाँ। लेकिन पैसा टीवी का लेते। ओ! क्योंकि टीवी पे ज्यादा पैसा है तो सबको मालूम है।
वरना सर इतना अच्छा एक्टर गोविंदा का भांजा किधर मक्खी बन के थोड़ी बैठेगा इसे थोड़ी पैसा बहुत रहते तो मैं अभी चलती है सर, मेरे को ना सोनी को सेट करके उसका मैक्स का भी मैसेज करने मैं चलती। एक बार हमारी पहलवान की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आइए ना, आइए सर, आइए काकू।